हेलो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज घूमने के लिए आए हैं राजिम, जो कि काफी पवित्र जगह है। अभी ये है, सामने में देख सकती है महानदी है जो अभी सूख गया है, इसमें पानी नहीं है। यहाँ पर दो नदी है, एक इधर का और एक इधर का, दोनों आकर यहाँ पर संगम होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को राजिम को कुछ और अच्छी अच्छी जगहों को घुमाता हूँ। ये हमारा है ग्रुप, हम इस बस में आए हुए हैं, वहाँ पर है बहुत सारे स्टूडेंट। अब हम लोग जा रहे हैं राजीव लोचन मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। राजिम में तीन नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंडूर, तीनों ही नदियों का यहां पर संगम होता है। राजिम के आसपास जगहों का पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जिसमें से राम मंदिर का ये मंदिर भी भव्य और काफी ऊंचा भगवान राम जी का यहां पर प्रतिमा आपको दिखाई देगा। काफी अच्छा और काफी सुंदर तरीके से इस जगह का निर्माण किया गया है। यहाँ से आप नदी को देखोगे तो काफी अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है जिससे आप लोग नदी का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर। काफ़ी सुंदर तरीके से आसपास यहाँ पर सजाया जा रहा है। बहुत दूर दूर से दर्शन करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों, यही है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग सभी राज्य से आते हैं। मंदिर के गर्भगृह का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। मंदिर के अंदर घूमने पर काफ़ी अच्छा और रिलैक्स लगता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं है और शांति से आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर नंदी की एक प्रतिमा है, जिसके कानों में आप अपने मन से कुछ भी मांगोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। प्राचीन का एक और काफ़ी अच्छी जगह है देखने लायक। दोस्तों, ये है आगे लक्ष्मण झूला। धीरे धीरे सभी लोग लक्ष्मण झूला की ओर आगे। सर, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। अगर नदी चल रहा होता, पानी होता नदी में, तो काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता। नाम का झूला है लेकिन हिल डुल नहीं रहा है, काफी सॉलिड यहाँ पर सोचन से बंधा हुआ है ऊपर से, और काफी मजबूत यहाँ पर दिख रहा है। तो काफी भीड़ लगा रखा है यहाँ पर। ऊपर का मधुमक्खी है। अरे मन, कहाँ जाते? आधा जन्म पर रहो, सही झूलत यार। ये हम आहत हमारे वजन से झूलत लगते। हाँ, आप लगी सही झूला टाइप। तो काफी लंबा यहाँ पर लक्ष्मण झूला बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, काफी पैसा खर्च किया गया है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ से कोई मंदिर जाते हैं जहाँ पर माथे में टीका लगाते हैं, त्रिशूल आकार का, चंद्र आकार का और बहुत से आकार का। चलो तो ट्राई करके देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये राजिम का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि तीनों नदियों के संगम के स्थान पर बना हुआ है। इस तरफ देखने पर नदी ही नदी देखने को मिलता है। ये मंदिर काफी अच्छा भीड़ वाला मंदिर है। ये आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। वैसे तो यहाँ कैमरा और फोटो लेने के लिए सख्त मना किया हुआ है, लेकिन मैंने चुपचाप से आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बना लिया। यहाँ के आसपास के सभी मूर्तियों में ये श्रेष्ठ मूर्तियाँ हैं। काफ़ी डर डर के ये वीडियो बनाए हैं, ताकि मुझे कोई पकड़े ना और मेरा मोबाइल जब्त न कर ले। मंदिर के बाहर निकलने पर एक बाबा बैठे रहते हैं, जो सभी के माथे पर टीका लगाते हैं। हाँ,
पर दो कलर मिलते हैं, पीला और लाल, और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं जिसे आप अपने माथे पर लगवा सकते हैं। कुछ कुछ विभिन्न प्रकार के यहाँ पर धार्मिक यहाँ पर सामग्री और भगवान शिव के लिए काफी सारा मूर्ति और शिवलिंग है जो अपने घर में जाके यहाँ पर आप लोग पूजा कर सकते हैं। ये भाई साहब है जो दावा कर रहे हैं कि ये सस्ता में दिला देंगे। रिकमेंडेशन में यहाँ पर सब चीज अवेलेबल मिल जाएगा सबको। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या सामान है देखते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का सुप्रसिद्ध श्री राजीव लोचन मंदिर। अभी मोबाइल और कैमरा सख्त मना है, फिर भी हम चुपचाप तरीके से आपको यहाँ की अंदर का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों हमें तो काफी मजा आया राज्य में घूमकर। जरूर यहाँ पर नदी सूखा हुआ था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार जाइए और राजीव लोचन मंदिर और तीन नदियों के संगम को जरूर देखें। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।